तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। नमस्कार दोस्तों, अक्षरा वॉइस के नारी शो में आपका स्वागत है और मैं हूँ काव्या त्रिपाठी। मेरा प्रोफेशन एक डांस है और मैं डांस के साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी पूरी कर रही हूँ। मैं अब बीकॉम लास्ट ईयर कर रही हूँ फ्रॉम शेरवुड कॉलेज। मैंने अपनी स्कूलिंग क्या कहते हैं करियर कॉन्वेंट से की है और मुझे स्कूल में बहुत ही मज़ा आता था जब हम सब दोस्त अपनी स्टडीज़ करते थे एक साथ में और वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। बट देखते ही देखते स्कूलिंग कब ख़त्म हो गई हमें पता ही नहीं चला और फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया, कॉलेज के भी न्यू फ्रेंड्स बने। मैंने अपनी डांसिंग बहुत ही छोटी सी उम्र में स्टार्ट की थी, जब मैं मे बी 9th क्लास में थी। मुझे डांसिंग का बहुत शौक था, जब मैं टीवी पे देखती थी माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ और बहुत सी डांसर्स को, तो मुझे लगता था कि मैं कब ये डांस करूँगी। मुझे बहुत इंटरेस्ट था डांस में और मैं सोचती थी कि मैं कब परफॉर्म करूँगी ऐसे, और मेरे मतलब पैर ही नहीं रुकते थे। जब भी कहीं भी कुछ होता था मेरे पैर बस चलते थे और मैं बस सोचती थी कि मैं अब मैं इस पे डांस करूं। इनफैक्ट हम कोई शादी में जाते थे या कहीं भी कोई फंक्शन में जाते थे तो मेरे से मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बैठ सकूं एक सेकंड भी, और मुझे बहुत मज़ा आता था ये करने में। मुझे स्टार्टिंग में सीखने का भी मन था बट उस टाइम ऐसा था कि मतलब कोई समझ नहीं पाया कि मैं मतलब डांस में आगे कर पाऊँगी अपना कि नहीं कर पाऊँगी। बट हाँ, कुछ लोगों ने मुझे इनकरेज किया और मैं फिर डांसिंग सीखने भी लगी। धीरे धीरे मैंने कई शोज़ भी किए और मुझे विनर के रूप में भी लिया गया, मींस मैं फ़र्स्ट प्राइज़ भी पाई, मैंने सेकंड भी पाया, मैंने थर्ड भी पाया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने अच्छे से सीखा और अपने पेरेंट्स को ये प्रूव किया कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मैंने इसको अपना एक मतलब एज अ करियर चुना क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो माधुरी दीक्षित थी, उनका जो सैलाब मूवी का सॉन्ग था वो मुझे बहुत ही पसंद था और वो सॉन्ग था हमको आज कल है। मतलब उसमें जो माधुरी दीक्षित ने डांस किया था वो माइंड ब्लोइंग था, उनके स्टेप्स, उनके एक्सप्रेशंस, उनके मूवमेंट्स बहुत ही अच्छे थे। और जिन्होंने कोरियो किया था सरोज खान, उनकी तो बात ही अलग है। मतलब स्टार्टिंग तो क्या कोरियो करते थे वो सरोज खान मैम, बहुत ही अच्छा। उनको देख के मैं इतनी इंस्पायर हुई हूँ अपने डांस को लेके और मुझे बहुत मज़ा आता है उनको देखना। मैं अभी भी उनके सॉन्ग्स पे डांस करती हूँ और मुझे उनके सारे सॉन्ग्स पसंद हैं, ऐसा कोई भी सॉन्ग नहीं है कि मुझे वो पसंद ना आया हो। मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं एक बड़े शहर में जाऊँ और अपनी डांसिंग करियर को आगे लेके जाऊँ, बट उस टाइम मेरी स्टडीज़ की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया। मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ बताने की कोशिश की कि मुझे बाहर जाके अपना डांस करियर आगे बढ़ाना है, बट उस टाइम मेरे फादर और मम्मा ने बोला कि नहीं, अभी अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो और यहीं पे जो करना है वो करो। बट मुझे क्या कहते हैं जाना ज़रूरी था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखनी थी, नए नए तरीके के डांस सीखने थे, जैसे हिप हॉप हो गया हमारा, अर्बन हो गया, कैंटेम्प हो गया, कई तरह के डांस स्टाइल, और मुझे उसमें मज़ा आता था। बट फिर एक टाइम आया ऐसा कि मैं दिल्ली तक गई और मैंने अपनी दिल्ली में कोर्स किया जो हमारा 3 महीने का कोर्स था। उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई गई, हमें वार्म अप कैसे करना है, हमें डांस कैसे करना है, हमें फ्री स्टाइलिंग कैसे करनी है, एवरीथिंग। मुझे बॉम्बे भी जाना है और बॉम्बे में किंग्स यूनाइटेड की अकेडमी ज्वाइन करनी है क्योंकि उनका जो डांस है अभी उन्होंने इंटरनेशनल जीता हुआ है, उनका बहुत ही अच्छा डांस है, उनके क्रू मेंबर्स भी बहुत ही अच्छे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनके। तो आई थिंक कि मुझे वहाँ जाना चाहिए क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वहाँ से अच्छा मे बी मुझे कुछ मिले। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है डांस और स्टडीज़ को मैनेज करना क्योंकि एक साथ दोनों चीज़ें बहुत ही मुश्किल से हो पाती है, बट हाँ मुझे वो करना पड़ता है क्योंकि डांस के साथ साथ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है और एक तरह से बैकअप प्लान भी लेके चलना चाहिए हमें, और इनफैक्ट सभी को लेके चलना चाहिए। मुझे डांस में बहुत ही मज़ा आता है और स्टडीज़ में भी आता है, बट हाँ स्टडीज़ में थोड़ा कम आता है बट डांस में ज़्यादा आता है। मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, मॉर्निंग में थोड़ा हेक्टिक हो जाता है उठना बट अपने बॉडी और अपनी हेल्थ के लिए उठना पड़ता है। मैं सुबह उठते ही अपनी वार्म अप करती हूँ, जो भी एक्सरसाइज होती है हमारी, मैट वर्कआउट, एरोबिक्स, वार्म अप, सब कुछ, और हमें उसमें बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि जब हमारी वार्म अप करके जो बॉडी वार्म होती है ना उसका मज़ा ही अलग होता है।
कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज में मैं 2:30 बजे तक रहती हूँ, कॉलेज में स्टडीज़ करने जाती हूँ, कॉलेज स्टडी करती हूँ, कॉलेज स्टडी करने के बाद मेरी क्लासेस होती हैं, मैं बस 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ, 1 घंटे के बाद मेरी तुरंत क्लासेस होती हैं। डांस क्लास मेरी ओमैक्स में है, वहाँ पे कई छोटे छोटे बच्चे लेडीज़ हैं जिनको मैं अपने साथ सिखाती हूँ और ख़ुद भी थोड़ा सीखती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है लोगों को सिखाना। क्योंकि जब तक आप किसी को सिखाओगे नहीं तब तक आप खुद भी नहीं सीखोगे, सिखाने से भी इंसान खुद भी सीखता है। जो भी हमारे देश में नारियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्किंग वुमेन होना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंड होना चाहिए। क्योंकि मैं भी मुझे ये लगता है कि अगर आप डिपेंड किसी पे होते हो तभी आपका शोषण होता है, और आप जितना हो सके मतलब आपका जो प्रोफेशन है आप उसको करो, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो उसे करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आप जितना हो सके अपने प्रोफेशन में जाओ और उसको देखो कि आप क्या कर सकते हो। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि हमारी नारी या कोई भी कुछ कर सकता है। मैं भी ये बिलीव करती हूँ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नारी के जीवन को और बेहतर समझने के लिए बने रहे अक्षरा वॉइस के शो नारी में। धन्यवाद।